अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बहुत मज़े की रेसिपी बना रही हूँ। ये सिंपल से इंग्रेडिएंट के साथ ही बन जाती है। अगर कोई भी सब्ज़ी हमारे पास अवेलेबल नहीं होती है तो हम ये रेसिपी तैयार कर सकते हैं घर में। इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए हैं उसमें मैं यहाँ पे 5 अदद प्याज यूज़ कर रही हूँ, इसे मैंने कट कर लिया है। 5 अदद हरी मिर्च, एक बड़े साइज़ का टमाटर, 2 टेबल स्पून पानी, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1.5 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून नमक, 1/2 कप कुकिंग ऑयल। तो कढ़ाई में सबसे पहले मैं कुकिंग ऑयल ऐड करूँगी। कुकिंग ऑयल जब हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम इसमें चॉप की हुई प्याज ऐड कर देंगे। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, अब हम इसके अंदर प्याज ऐड कर देंगे। प्याज को हमने अच्छे से फ्राई करना है तब तक जब तक इसका कलर लाइट ब्राउन ना हो जाए। ये बहुत मज़े की रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। आई होप आपको पसंद आएगी। लाइट ब्राउन कलर इसका हो गया है, अब हम इसके अंदर बाकी इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देते हैं। सबसे पहले अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी पाउडर, नमक, सूरज मिर्च पाउडर, चिली फ्लेक्स, टमाटर, हरी मिर्च। ये सब चीज़ें ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्सअप कर लेते हैं और थोड़ी देर से हम भून लेंगे। थोड़ा सा इसे मैंने मीडियम फ्लेम पे भून लिया है। अब मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी और पानी ऐड करने के बाद इसे ऐसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद पहले मैं इसके नीचे फ्लेम मीडियम, पहले मीडियम से मैं लो कर दूंगी बिल्कुल, और इसे कवर करके रख लूंगी ताकि इसका पानी भी ड्राई हो जाए और ये सब्जी भी अच्छे से गल जाए। 5 मिनट के लिए इसे मैंने कवर करके रख दिया था बिल्कुल लो फ्लेम पे। हमारा ये मसाला बनके रेडी है, इसके नीचे मैं फ्लेम अब बंद कर दूंगी। पानी भी हमारा बिल्कुल ड्राई हो चुका है और सब्ज़ी भी हमारी गल गई है। व्यूअर्स, हमारी सिंपल सी रेसिपी बनके रेडी है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर कोई भी सब्ज़ी मौजूद नहीं है घर में खाना खाने के लिए तो आप इस मसाले को बनाएं, आपको बहुत पसंद आएगा। मैं इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया बारीक कट किया हुआ ऐड करूँगी। ये ऑप्शनल है, अगर आपको अच्छा लगे तो आप ऐड कर सकते हैं। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको मेरी ये सिंपल सी रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको ये पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।